लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब समाचार में। 18 साल की लुधियाना की प्रियंका कराटे और ताइक्वांडो चैंपियन हैं और साथ ही ब्लैक बेल्ट भी हैं। पिछले साल वह मलेशिया में होने वाली इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी, तभी उन्हें पता चला कि वह ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। कराटे में राष्ट्रीय स्तर पर 4 गोल्ड मेडल और राज्य स्तर पर 7 गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रियंका आज ब्लड कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। उनकी मां के पास उनका इलाज कराने के लिए पैसे तक नहीं हैं। 7 बहनों में प्रियंका दूसरे नंबर की बहन है। आपको बता दें कि प्रियंका की मां प्रभाव देवी एक फैक्ट्री में 5,000 रुपये महीना कमाती हैं। उनकी अधिकांश तनख्वाह प्रियंका के इलाज के लिए लिए गए 3 लाख रुपए के ऋण को चुकाने में कट जाती हैं। प्रियंका के पिता शराबी हैं और प्रियंका के इलाज के लिए वह 1 भी रुपया नहीं देते हैं। आपको बता दें कि प्रियंका के परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वे प्रियंका के लिए फल और अंडे खरीद सकें। गौरतलब है कि प्रियंका को इन चीज़ों को खाने के लिए डॉक्टर ने कहा है ताकि प्रियंका को रिच डाइट मिल सके। अपनी माँ और बहनों को पैसे एकत्रित करने के लिए संघर्ष करते देख प्रियंका ने अपनी माँ से कहा कि अब वे उसे नियति के भरोसे छोड़ दें और इलाज की चिंता ना करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि प्रियंका का इलाज अच्छे से हो और जल्दी से वह देश के लिए मेडल ला सकें तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की अन्य जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।